लेसन 13 वर्च्यू पेस क्लास एट एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। दोस्तों यह इस लेसन का वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 में लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समरी बताई गई है। दूसरे वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बताए गए और यह तीसरा वीडियो है जिसमें जो है एक्सरसाइज कराई जा रही है एक एक नियम के साथ। तो अंत तक इस वीडियो के बने रहिए ताकि आपको जो है सारे नियम के साथ एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सरसाइज का हिंदी मतलब होता है अभ्यास। तो अभ्यास से शुरू करते हैं। अभ्यास में पहले आपको रीड एंड लर्न, रीड और लर्न का मतलब होता है पढ़ो और दोहराओ। पहला है वंडर। वंडर का हिंदी मतलब होता है भटकना, है ना, डब्ल्यू ए एन डी आर, वंडर यानी उधर उधर भटकना। और एक और वर्ड होता है वंडर, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर। इस वंडर का मतलब होता है आश्चर्य या हैरान होना, है ना। और डब्ल्यू ए एन डी आर वंडर मतलब होता है इधर उधर भटकना। नेक्स्ट है आपका फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य, एफ ए टी फेट एन भाग। हाफ ब्रदर मतलब सोतेला भाई। स्प्रिंकल यानी छिड़कना। वीट्स, वीट्स का हिंदी मतलब होता है जो घास लगी हुई होती है उसको वीट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्च्यूज यानी सदगुण। एग्जाइल यानी वनवास। पे हीड, पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना। स्टॉप यानी ठहरना। हेवन यानी स्वर्ग। कंटेंट यानी संतुष्ट। ओवर पोवर, ओवर पोवर का मतलब होता है तो शक्ति से ज्यादा। डिवाइन यानी दिव्य। वेजिटेशन यानी वनस्पति। सिंबल यानी प्रतीक। स्पीड यानी आत्मा। ग्रीव यानी दुख। बून यानी वरदान। पुल यानी कुंड या तालाब। और हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। और जो वीड्स होता है इसका मतलब होता है खरपतवार। बढ़ते हैं आगे वट पावर की ओर। वट पावर में है वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। वर्ड पावर को शब्द शक्ति कहा जाता है। मेज द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग, है ना, इन कॉलम बी। मतलब ए जो है उसको बी से मिलाना है, उसकी किसके अनुसार, जो वर्ड्स मैच होते हैं उसके अनुसार आपको बताना है। तो जैसे सिंबल, सिंबल का क्या मतलब होता है, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक होना। जो किसी चीज का प्रतीक होता है उसको क्या कहा जाता है। तो अ साइन यानी एक चिन्ह, यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग, जो किसी चीज को दर्शाता हो वो क्या कहलाता है, आपका सिंबल कहलाता है। तो सिंबल का ये वाला हो जाएगा। दूसरा है वंडर, है ना, वंडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो इधर उधर भटकना होता है तो इसका क्या हो जाएगा, टू वॉक स्लोली अराउंड विदाउट पर्पस, बिना काम के इधर उधर जो है घूमते रहना, तो इसका ये हो जाएगा। फिर है आपका स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, तो इसका ये हो जाएगा, एन इमेजिनरी क्रीचर विथ मैजिक पावर, है ना, एक क्रीचर एक प्राणी जिसके अंदर जो है कुछ अलौकिक शक्तियां होती है, तो इसका जो हो जाएगा फर्स्ट वाला। वेजिटेशन यानी वनस्पति, है ना, तो द प्लांट फाउंड इन द पार्टिकुलर एरिया और एनवायरनमेंट। प्लांट यानी पौधे जो पाए जाते हैं इन पार्टिकुलर किसी विशेष एरिया यानी क्षेत्र में और किसी विशेष एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में, किसी विशेष क्षेत्र स्थान पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इन सब के लिए जो है आपको एक शब्द का उपयोग करना है। एक शब्द कैसे, जैसे पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं टीचर, तो एक शब्द हो गया उसके लिए। जैसे इलाज करने वाला तो उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर, तो इस तरह के। जैसे ए स्मॉल एरिया ऑफ द स्टील वाटर स्पेशली ऑन दिस आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल यानी मानव कृति, मैंने मानव के द्वारा एक एरिया स्पेशली जो बनाया जाता है किसके लिए, पानी के लिए, तो वो एरिया क्या कहलाता है आपका, पुल कहलाता है। यानी जैसे तालाब वगैरह कुछ खुदवा देते हैं ना, तो वो उसका पुल होगा। दूसरा है विच इज द कनेक्टेड विद द गॉड, जो भगवान से संबंधित हो तो उसको क्या बोलते हैं दिव्य, तो डिवाइन का हिंदी मतलब होता है दिव्य। अ वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, है ना, अ वाइल्ड प्लांट यानी जंगली पौधे ग्रोइंग यानी उग जाते हैं, वेयर यानी जहाँ पर इट इज नॉट वांटेड, जिनको नहीं चाहा जाता, मतलब अनचाहे, जिनको अपन चाहते नहीं है कि उगे, और वो उग जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, वीड कहा जाता है, वीड यानी खरपतवार, जैसे खेतों में खरपतवार हो जाती है, अनचाहा जिसको जो है चारा बोलते हैं। बिहेवियर दैट शोस हाई मॉरल स्टैंडर्ड, है ना, ऐसा बर्ताव जो कि अच्छे व्यवहार को दर्शाता है, तो उसको क्या बोलते हैं वर्च्यू ने सद्गुण। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, बहुत प्रश्न, आंसर दिस क्वेश्चंस, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल, नकुल से जो है युधिष्ठिर ने क्या कहा। दोस्तों यह कॉम्प्रिहेंशन का एक वीडियो जो है स्पेशल बना हुआ है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि क्वेश्चन आंसर का है, जो वीडियो नंबर टू है। वीडियो नंबर टू को देखने के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट वन, है ना, कि आपको सही वाले पे चिन्ह लगाना है। युधिष्ठिर वाज नकुल्स, युधिष्ठिर जो था नकुल का कैसा ब्रदर था, सौतेला भाई था, तो सौतेला भाई को क्या बोलते हैं हाफ ब्रदर, तो इसका हो जाएगा बी वाला। फिर सहदेव वेप्ट फॉर हिस, है ना, सहदेव जो था वो, सहदेव जो था वो किस लिए जो है रोया था, है ना, तो किसके लिए रोया था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डेड मदर, है ना, सहदेव जो था डेड मदर, उसकी मृतक माता जी के लिए रोया था, है ना, इसका होगा बी वाला। नेक्स्ट है आपका हु पेड स्पेशली हीट टू द स्ट्रेंज वॉइस, है ना, उस स्ट्रेंज एनर्जी वॉइस ने आवाज पर किसने ध्यान दिया, है ना, तो उस पर जो है किसने ध्यान दिया था, उस पर युधिष्ठिर ने ध्यान दिया था, तो इसका सी वाला हो जाएगा, युधिष्ठिर ने जो है उस आवाज पर ध्यान दिया था। यक्ष वास हाईली प्लीज्ड विद, यक्ष किससे जो है बहुत खुश हुई थी, तो वही युधिष्ठिर से खुश हुई थी, तो इसका बी वाला युधिष्ठिर। नेक्स्ट है आपका लेट्स लर्न, आओ सीखे, लेट्स लर्न का हिंदी मतलब होता है आओ सीखे। क्या सीखते हैं इसमें अपन, इसमें जो है मॉडल बर्फ के बारे में बात करेंगे अपन। नो वन इन द वर्ल्ड कैन डू एग्जैक्टली व्हाट यू डू, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में वह कार्य नहीं कर सकता जैसा आप उससे एग्जैक्टली जैसा के वैसा कराना चाहो, है ना, वर्ल्ड यानी दुनिया, कैन डू यानी कर सकता, एग्जैक्टली यानी वैसा के वैसे, व्हाट यानी जो, यू डू जो तुम कराना चाहते हो। नेक्स्ट है सम पीपल यानी कुछ लोग कान डू नहीं कर सकते व्हाट यू कैन, जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो कुछ लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आई वॉज लेट फॉर स्कूल, मैं जो है स्कूल के लिए लेट हो गया, बिकॉज यानी क्योंकि, आई कुडंट फाइंड माई पेन, मुझे पेन नहीं मिला, इस कारण जो है मैं स्कूल के लिए देर हो गई मेरे को। नेक्स्ट है यू मे एंटर द रूम नाउ, अब तुम जो है
रूम में प्रवेश कर सकते हो। मैं आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ। बोरो यानी उधार लेना, योर यानी तुम्हारा, पेन यानी पेन। नेक्स्ट है द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो मॉडल वर्ब होती है जैसे कैन हुआ और कुड हुआ, आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ये किसको दिखाते हैं? आपकी योग्यता को दिखाता है, एबिलिटी यानी योग्यता। जो मॉडल वर्ब क्या होती है, एक तो कैन और एक कुड, किसको दिखाती है? ये एबिलिटी को दिखाती है। दोस्तों यदि आप मॉडल वर्ब को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जो है आपको स्पोकन इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाएं, आपको सारे मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। तो कांट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस इनएबिलिटी, है ना। इसको जो है आपको इनएबिलिटी अयोग्यता को नहीं दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, सिर्फ इनको योग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैन को और कुड को, अयोग्यता दर्शाने के लिए कैन और कुड को उपयोग नहीं किया जाता। मे और माइट जो होते हैं आर यूज्ड, ये उपयोग किए जाते हैं। किस लिए उपयोग किए जाते हैं? फॉर एक्सप्रेस परमिशन, यानी परमिशन मांगने के लिए, प्रमोशन के भाव को व्यक्त करने के लिए इनका मेक और माइट का उपयोग किया जाता है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, चलो इन सेंटेंस को देखते हैं। कैन का उपयोग जो है योग्यता के लिए दर्शाया जाता है और कुड का भी, और मे और माइट का परमिशन के लिए। जैसे योग्यता किस तरह से दर्शाएंगे, जैसे आप में योग्यता है कि आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस सवाल या दिस सम, तो कैन आ जाएगा इस तरह से। जैसे यू कैन लीव आफ्टर 5 PM, तुम जो है 5 बजे के बाद छोड़ सकते हो, तो एक इसको दर्शा रहा है, ये पावर को दर्शा रहा है। फिर कुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यर कैन एंड कुड आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेस अ परमिशन। यहां पर कैन का और कुड का उपयोग जो हुआ है वो किस लिए उपयोग हुआ है? वो हुआ है आपके परमिशन के भाव को दिखाने के लिए, कैन और कुड का उपयोग हुआ है। लेकिन यहां पर देखेंगे देयर कुड बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर, भविष्य में बहुत ही परेशानियां हो सकती हैं या आ सकती है। इट माइट रेन इन अ डे और टू, एक या दो दिन में बरसात हो सकती है। तो यर कुड एंड माइट आर यूज्ड एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, है ना। यहां पर कुड का और माइट का जो उपयोग हुआ है, जो भविष्य में आने वाली जो पॉसिबिलिटी संभावना है उसको दर्शाने के लिए हुआ है। नेक्स्ट है वी कैन समराइज इस एट, हम जो इसको इस प्रकार से कुछ समराइज कर सकते हैं यानी समझा सकते हैं। किस तरह से? मॉडल एक्सिलरी कैन यूज्ड फॉर एक्सप्रेस एबिलिटी। मॉडल कैन जो है वह किसको दर्शाती है? वो जो है एबिलिटी यानी योग्यता को दर्शाती है, है ना। आपके अंदर योग्यता है, उस चीज को कैन दर्शाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कांट यूज्ड फॉर एक्सप्रेस इनएबिलिटी, और इनएबिलिटी जो है कांट दर्शाती है। ये CAN और कॉमा T, इसको कांट पढ़ते हैं। ये कैन और प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म है, कांट। कैन और नोट को जब मिलाएंगे तो कांट बन जाएगा, कैन प्लस नोट, क्या बनेगा ये? कांट बन जाएगा। कैन प्लस नोट बराबर होता है कांट, जो है कांट दर्शाता है। किसको दर्शाता है कांट? इनएबिलिटी यानी अयोग्यता। कुड किसको दर्शाता है? एबिलिटी यानी योग्यता की, जो कि पास्ट में योग्यता होती है, पास्ट की योग्यता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। किस तरह से? जैसे मैं पहले 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, तो पहले की बात है दौड़ सकता था, तो आपकी एबिलिटी को बता रहा है दौड़ने की, तो पास्ट की हो जाती है। और यदि प्रेजेंट की एबिलिटी हो तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, यानी अभी भी दौड़ सकता हूँ, ये प्रेजेंट की योग्यता है आपकी। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन कुड एंड मे आर यूज्ड फॉर द सीकिंग परमिशन। परमिशन के लिए भी इन तीनों का उपयोग किया जा सकता है, कैन का, कुड का और
मेका कैन कुड और मेका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन में आर यूज्ड एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, यानी कैन और कुड को पॉसिबिलिटी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मे को एबिलिटी दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन कैन को ही किया जा सकता है। कैन को दोनों सेंस में उपयोग कर सकते हैं, एबिलिटी दिखाने के लिए भी और पॉसिबिलिटी के लिए भी, संभावना के लिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट एंड कुड आर यूज्ड फॉर द एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कुड का और माइट का उपयोग किया जा सकता है ना, लेकिन पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए माइट का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे एबिलिटी किस प्रकार की, जिसके आपके अंदर योग्यता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जब आपके अंदर योग्यता है अंग्रेजी बोल सकते हैं तो किसका उपयोग होगा, यहाँ पर कैन का उपयोग होगा। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यदि आपके अंदर अयोग्यता है आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आई कांट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता, स्पीक है ना बोलना। पास्ट की एबिलिटी है ना, भूतकाल की जो एबिलिटी होगी उसको, आई कुड जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो जो है दीवार कूद जाया करता था या कूद सकता था, पास्ट की एबिलिटी आपकी। परमिशन, यू कैन गो इन, यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। और कुड आई बोरो योर बाइसिकल, के मैं तुम्हारी साइकिल थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है ना, संभावना। ही कैन कम टुमारो, शायद वो कल आ सकता है। इम्पॉसिबिलिटी, असंभावना। द स्काई इज क्लियर, इट कांट रेन टुडे, आसमान बहुत साफ है आज बारिश नहीं हो सकती, यानी इम्पॉसिबिलिटी से कोई संभावना ही नहीं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए किसको उपयोग किया जाता है, इट माइट रेन इन टू अवर डे, शायद एक या दो दिन में बरसात हो सकती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उचित मॉडल वर्ब का आपको उपयोग करना है ना। जैसे द वेदर रिपोर्टर से इट मे रेन टूडे, है ना, मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश हो सकती है, तो बारिश हो सकती है तो मैं संभावना के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे कैन यू रीड दिस पेन फॉर मी प्लीज, क्या तुम मुझे जो है, कैन यू रीड दिस पोएम, सॉरी पोएम है यहाँ पर, कैन यू रीड दिस पोएम फॉर मी प्लीज, कृपया आप मेरे लिए कविता पढ़ देंगे, तो या आपको जो है यहाँ पर आप एबिलिटी का भाव नहीं है, यहाँ पर जो है परमिशन का भाव है कैन से। नेक्स्ट है ही इज लायर, व्हाट ही सेज माइट बी ट्रू, वह झूठा है, जो भी कुछ भी कहता है गलत कहता है ना, वह झूठा है मतलब हो सकता है कि वो जो भी बोल रहा हो वो झूठ बोल रहा हो, ऐसी संभावना है ना, तो माइट का उपयोग हुआ फ्यूचर की। द न्यू काउंटर माइट ओपन द नेक्स्ट मंडे, शायद वो जो अगला काउंटर नया खुलने वाला है वो अगले सोमवार तक खुल जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो माइट का उपयोग किया गया है। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ, यहाँ पर मे को जो है परमिशन मांगने के लिए उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क इन द इच फॉलोइंग इन सिचुएशन, इन परिस्थितियों में आप किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछेंगे, तो आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके ही जो है इनका उपयोग करना है। जैसे यू वॉन्ट टू हैव सम आइसक्रीम, क्या तुम्हारे पास आइसक्रीम है, तो इसको आप किस तरह से उपयोग करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में। कुड यू वॉन्ट टू बी हैव सम आइसक्रीम, क्या आपके पास कुछ आइसक्रीम हो सकती है, मतलब आप इसे बता रहे हैं, है ना। यू वॉन्ट टू नो हु इज ऑन द टेलीफोन, क्या आप बता सकते हैं कि जो है कौन हो सकता है टेलीफोन पर, कौन बातें कर रहा है, तो जो आप परमिशन के भाव से पूछ रहे हैं क्या आप बता सकते हैं, तो क्या होगा, कैन यू टेल मी हु इज ऑन द टेलीफोन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टेलीफोन पर कौन है, हु यानी कौन, इज यानी है। नेक्स्ट है कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो द टाइम, समय क्या है ना, तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया यू वॉन्ट टू नो द टाइम, क्या तुम समय जानना चाहते हो, है ना, तो
तुम समय जानना चाहते हो तो किसी से आप किस तरह पूछेंगे? कैन यू टेल मी द टाइम नाउ? आप मुझे बता सकते हैं क्या समय हो गया? नेक्स्ट है आपका फ्रेम सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एज यू आर इन द एग्जाम्पल. आपको जो है फ्रेम मैंने बनाना है. क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी सहायता से, है ना. जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको करके बता दिया गया है. एग्जाम्पल में क्या करके बताया देखते हैं, कुछ करके बताया है. पहले इनको पढ़ लेते हैं उसके बाद जो एग्जाम्पल में जाते हैं. नकुल वास माद्री सन. नकुल जो है माद्री का बेटा था. द युधिष ये द यक्ष वास डिवाइन स्पिरिट. यक्ष जो थी एक दिव्य आत्मा थी. भीम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग और भीमा जो है बहुत ही ताकतवर था. युधिष्ठर वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस. युधिष्ठर जो है उसके न्याय के लिए प्रसिद्ध था. सहदेव वाज द यंगेस्ट पांडव. सहदेव जो है पांडवों में सबसे बड़ा था. अर्जुन वाज वेरी गुड एट आर्चरी. अर्जुन जो है आर्चरी यानी तीर या बाण में जो है बहुत ही आगे था, या तीरंदाजी जिसको बोलते हैं. एक एग्जाम्पल करके बताया यहाँ पर. क्या करके बताया? एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उसके माध्यम से अपने को आगे करना है. एग्जाम्पल है जैसे उदाहरण नकुल. क्या है? नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट. नकुल ने जो है पूरे जंगल को देखा. तो क्वेश्चन किस तरह प्रकार से बना है? नकुल हु वाज माद्री सन. नकुल जो है माद्री का बेटा था. लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट. उसने जो है पूरे उसको देखा, पूरे जंगल को देखा. फॉरेस्ट ने जंगल. इसी तरह से अपने को बनाना है. जिसे यक्ष आस्क द मेनी क्वेश्चंस. यक्ष ने जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, है ना. तो यक्ष हु, यक्ष जिसने वाज डिवाइन स्पिरिट, जो कि एक दिव्य आत्मा थी. आक्स जी ने पूछे मेनी क्वेश्चन, है ना, कई सवाल. यक्ष जो कि एक दिव्य आत्मा थी उसने कई सवाल पूछे हैं. नेक्स्ट है भीम पेड नो हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस. उस अपरिचय स्ट्रेंज यानी अजनबी आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. पेड यानी ध्यान, पेड नो हीड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना. बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दिया किसने? भीमा ने, जो आवाज आई थी. भीम यानी भीम जिसने वाज वेरी स्ट्रेंज पेड नो हीड, जो कि आवाज बहुत ही कैसी थी. वो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग भीम वाज, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था यानी ताकतवर था. पेड नो हीड, उसने ध्यान नहीं दिया. टू द स्ट्रेंज वॉइस, उस आवाज पर. वी आई सी वाइस, यहाँ पर कट गया, इसको वाइस कर लें आप. उस अजीब सी आवाज पर उसने जो है ध्यान नहीं दिया. नेक्स्ट है अर्जुन वाज द ग्रेट वॉरियर. अर्जुन जो है बहुत महान योद्धा है. वॉरियर यानी योद्धा. अर्जुन वो वाज यानी जो, वाज यानी जो, वाज यानी था. वेरी गुड एट बो, है ना, बो यानी धनुष. इंद्रधनुष में जो है बहुत ही अच्छा था. वाज ए ग्रेट, वाज ए ग्रेट वॉरियर, जो कि बहुत अच्छा योद्धा था. अर्जुन जो कि धनुष बाण में बहुत अच्छा था, वो एक अच्छा योद्धा भी था. सहदेव फेल टू रिटर्न. सहदेव जो है लौटने में असफल रहा. सहदेव जो हुए ने जो, वाज ने था यंगेस्ट यानी सबसे बड़ा पांडव. सहदेव जो सबसे बड़ा पांडव था, फेल टू रिटर्न, जो आने में असफल रहा. सहदेव जो सबसे बड़ा था वो आने में, लौटने में असफल रहा, है ना. युधिष्ठर आंसर द क्वेश्चन वेरी वेल. युधिष्ठर ने जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के आंसर दिए. सॉरी, युधिष्ठर हु, युधिष्ठर हुए ने जो, वाज ने था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, जो कि अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था. आंसर ऑल द क्वेश्चन वेरी वेल, उसने सारे क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे से जवाब दिए. नेक्स्ट है आपका लेट्स टॉक.
लेट्स टॉक का हिंदी मतलब होता है आओ बात करें। क्या है आओ बात करें पे? देखते हैं। मेक टू ग्रुप्स, आपको क्या करना है, दो ग्रुप बनाना है यानी दो समूह बनाना है। वन विल आस्क द क्वेश्चन इन कॉलम ए, जो है कॉलम ए से जो है एक कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना, एंड द अदर विल फाइंड द करेक्ट आंसर, और दूसरा जो है कॉलम बी से उसके सही आंसर ढूंढेगा। पहला है आपको देखना है कहां पर सही और कहां पर गलत है। इसमें पहला है हु वाज माधुरी सन, माधुरी का बेटा कौन था, तो आपको जैसे पता होगा कि माधुरी का बेटा जो है कौन था, नकुल था, नकुल जा था वो माधुरी का बेटा था, तो कहाँ पर है नकुल लिखा हुआ, ये लिखा हुआ जो नकुल वाज द माधुरी सन, नकुल जो था माधुरी का बेटा था, तो इस पर जो है अपन एक नंबर लगा देते हैं, यह पहले नंबर पे है। फिर दूसरा है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट पांडव, सबसे बड़े पांडव का क्या नाम था, आपको जिसे पता होगा, है ना, तो यह लास्ट वाला जो देखेंगे युधिष्ठर वाज द एल्डेस्ट पांडव, युधिष्ठर जो था सबसे बड़ा पांडव था, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड रहा, ये आपका सेकंड रहा और ये आपका फर्स्ट रहा। तीसरा है हु वाज द यक्ष, यक्ष कौन थी, तो जैसा आपके पता है कि यक्ष जो है वो एक स्पिरिट थी, आत्मा थी, तो यक्ष वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड, जो कि सेकंड लास्ट है ना, नीचे से दूसरा, तो यह इसके सामने तीसरा नंबर डाल देंगे, यक्ष वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड, यक्ष जो थी एक आत्मा थी एक जंगल की। हु वाज द यक्ष हो गया, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, है ना, स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, तो सद्गुणी जो है स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता है, तो पहला वाला हो जाएगा इसका, है ना, तो यहाँ पर पहले पे चार नंबर अपन डाल देंगे, पहले का चौथा जाएगा, सॉरी चौथे का, चौथे का पहले वाला हो जाएगा, तो चार नंबर पे। फिर विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यू, सबसे सब गुणों में से अच्छा गुण कौन सा है, तो सद्गुण सबसे अच्छा गुण होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, किसी से घृणा ना करना ही सबसे अच्छा जो है वर्च्यूज है, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, इस पे जो है अपन फिफ्थ नंबर डाल देते हैं, ये फिफ्थ वाला हो गया। फिर हु इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है, तो गुस्सा, गुस्सा इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो ऊपर से दूसरा नंबर वाला जो है वो छठा नंबर है, तो इसमें सिक्स नंबर डाल देते हैं, ऊपर से दूसरा जो आएगा वो। फिर है सातवें का व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, खुश होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आपका हो जाएगा फोर वाला, इसका ये हो जाएगा सातवां, ये वाला है ना, टू टेल द ट्रथ एंड बी काइंड, है ना, सत्य बोलना और दयालु रहना, यही जो है सबसे अच्छा है खुश रहने का तरीका। हु इज द ग्रेटेस्ट मैन, सबसे जो है महान व्यक्ति कौन है, तो सबसे महान व्यक्ति वही है जो कि वन हु इज अफेक्टेड बाय जॉय एंड सोरो, जो कि बिल्कुल जॉय और सोरो है ना, हर चीज की दुनिया की मोह माया से सबसे परे हो, है ना, दूर हो, तो ये वाला हो जाएगा आपका आठवां नंबर का। फिर आपका नाइन नंबर वाला विच इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम,
एक ही व्यक्ति सबसे गरीब और अमीर कौन है ना? एक ही समय में. तो द मैन हू मच गिवन नथिंग, वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं देता है, उसके लिए वही कौन है? एकदम सबसे गरीब और अमीर है एक ही समय का. ये वाला आपका नाइन्थ वाला हो जाएगा. फिर है हाउ मे पुअर मैन बिकम रिच, एक अमीर आदमी जो, एक गरीब आदमी जो है अमीर कैसे बन सकता है? तो इसका ये दसवें वाले का ये हो जाएगा, अ पुअर मैन बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट, है ना? पुअर मैन थी, है ना, बिकम मैन जो रिच होते हुए बीइंग अ कंटेंट, है ना. तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, आप देख लें और इसको, है ना, नंबर डाल दिए हैं. आगे आपका ये लास्ट वाले का ये वाला हो जाएगा, है ना. बढ़ते हैं आगे की ओर. रीड, लेट्स रीड, आओ पढ़ें. यर युधिष्ठिर डायरी, यहाँ पर युधिष्ठिर की डायरी है. गो थ्रू देयर रिकॉर्ड्स, उस रिकॉर्ड के ऊपर जाना है आपको. एंड क्वेश्चन द गिलोविगन, और नीचे जो है उस क्वेश्चन दिए हुए हैं इस डायरी के आधार पर. जैसे एक ये डायरी दी हुई है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा है 4 PM यानी 4 बजे, है ना, वी आर वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, हम जो जंगल में घूम रहे थे. 5 बजे वी फेल थर्स्टी, हमें प्यास लगी. 4:30 बजे आई ऑर्डर टू नकुल टू ब्रिंग वाटर, 4:30 बजे जो नकुल को पानी लाने का आदेश दिया, है ना. और फिर 4:35 PM को नकुल वेंट टू द ब्रिंग वाटर, 4:35 को जो है नकुल कहाँ पर जाता है? पानी लेने के लिए जाता है. और 4:50 जब हो जाते हैं ये रिटर्न और वापस नहीं लौटता है. 5 बजे आई ऑर्डर सहदेव टू फाइंड द नकुल, 5 बजे जो है सहदेव को आदेश दिया जाता है कि नकुल को ढूंढ के लाए. 5:15 को जो है क्या होता है? आई वेटेड फॉर द सहदेव, है ना, सहदेव का जो है क्या किया जाता है? इंतजार किया जाता है. फिर 5:25 को ऑर्डर्ड अर्जुन एंड फाइंड टू नकुल, 5:25 को जो फिर किसको ऑर्डर दिया जाता है? अर्जुन को, कि नकुल को और सहदेव को ढूंढ के लाओ. फिर 5:45 को ऑर्डर दिया जाता है किसको? भीमा को, है ना, कि फाइंड आल, जाओ सभी को ढूंढ के लाओ. फिर 6 बजे क्या होता है? 6 बजे जो है माई सेल्फ वेंट टू पुल, मैं खुद जो है पुल पर जाता हूँ. और इसको जो है पूर्ण करना है आपको, इसके माध्यम से जो है आपके क्वेश्चन बने हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं. जैसे हु वाज द वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन घूम रहा था? तो पांडव्स वर वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, पांडव जो है फॉरेस्ट में जंगल में घूम रहे थे. व्हेन वर द पांडव वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जो है पांडव कब फॉरेस्ट में घूम रहे थे, है ना, पांडव जो है फॉरेस्ट में कब घूम रहे थे? तो वे चार बजे जो है फॉरेस्ट में भी लोग घूम रहे थे. वैंडरिंग यानी घूमना या भटकना. एट व्हाट टाइम डिड दे फील थर्स्टी, किस समय उनको प्यास लगी? तो 4:05 को जो है उनको प्यास लगती है. फील थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना. फिर चौथा वाला क्वेश्चन है आपका, When did युधिष्ठिर order नकुल to bring water? युधिष्ठिर ने जो है नकुल को कब पानी लाने का ऑर्डर दिया? तो युधिष्ठिर order to नकुल to bring water 4:30 PM कि 4:30 बजे जो है युधिष्ठिर ने नकुल को ऑर्डर दिया पानी लाने का. When did युधिष्ठिर himself go to the pool? तालाब पर युधिष्ठिर किस समय जो है पहुंच जाता है? तो युधिष्ठिर himself, युधिष्ठिर खुद himself जाता है, वेंटे ने जाना था टू पुल इन्हें तालाब कर, 6 बजे जो है चला जाता है. है ना. नेक्स्ट है लेट्स राइट, लेट्स से ले आओ, राइट यानी लिखें, आओ लिखें. क्या है? रीड द टेलीफोनिंग कन्वर्सेशन एंड मैसेज गिवन बिलो, आपको जो टेलीफोन पर बातचीत की गई है उसको बताना है. कैन आई टॉक टू राकेश, क्या मैं राकेश से बात कर सकता हूँ? ये कौन बोल रहा है? मोहित बोल रहा है. क्या मैं राकेश से बात कर सकता हूँ? मिस्टर
आहूजा क्या बोलते हैं, सॉरी ही इज गोन टू मार्केट, वह माफ कीजिए वो बाजार गए हुए हैं। मोहित फिर बोलता है आई एम हिज क्लासमेट, मैं उसका क्लास का दोस्त हूँ अर्जुन, प्लीज टेल हिम कॉल मी बैक व्हेन ही रिटर्न्स, कृपया उससे कहिए कि जब वो वापस आ जाए तो मैं को फोन करें। मिस्टर आहूजा क्या बोलते हैं ओके बट डज ही हैव योर फोन नंबर, पर क्या उसके पास तुम्हारा फोन नंबर है। मोहित बोलता है आई थिंक, मुझे लगता है स्टिल नोट माई फोन नंबर इट इज, उन्हें की लगता है मुझे उसके पास मेरा फोन नंबर नहीं है, तो ये जो है वो फोन नंबर बताता है मोहित उसका। मिस्टर आहूजा बोलते हैं ओके आई विल टेल हिम, हाँ मैं उसे बता दूंगा। मोहित बोलता है थैंक यू। एक मैसेज है, मैसेज में क्या है देखते हैं। डेट है 31 अक्टूबर 2006 5 बजे की, है ना। सैल्यूटेशन क्या है, राकेश से, मतलब राकेश बोलता है। कंटेंट क्या दिया हुआ है इसमें, कंटेंट मतलब दिया हुआ होना किस बारे में। योर क्लासमेट अर्जुन रेंग अप, यानी तुम्हारे क्लासमेट जो है अर्जुन, उसने बेल मतलब घंटी बजाई। ही वांटेड टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना चाहता है। प्लीज कॉल हिम बैक, कृपया उससे बात कर दें। हिज फोन नंबर, उसका फोन नंबर ये है ना। सिग्नेटरी डैडी, कौन ने बताया, उसके डैडी ने बताया। यह एक मैसेज है जो अपने डैडी ने, जो पुत्र ने, पुत्र को अपने डैडी ने बताया। नेक्स्ट है, नाउ रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट द मैसेज। अब जो है इसी तरह की एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चल रही है। अभी तो उन्होंने खुद ने आपको एग्जांपल करके बताया है, मतलब ये बातचीत थी ये, और फिर उसका एग्जांपल ये उन्होंने मैसेज के माध्यम से दिया। अब उन्होंने क्या करा, केवल कन्वर्सेशन दिए, बातचीत, ये वाला मैसेज जो है आपको बताना है कि ये मैसेज है। अब क्या है मैसेज में देखते हैं। रीना बोलती है मे आई टॉक टू यू निधि, निधि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। अब ये कौन बोलती है, अबा फोन उठाती है तो बोलती है सी हैज गोन आउट फॉर द शॉपिंग, वो जो है बाहर गई है खरीदारी के लिए। मे आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस कौन और किसने फोन लगाया है। तो रीना बोलती है आई एम हर फ्रेंड रीना, मैं उसके दोस्त रीना हूँ। आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, मैं जो है अपना बर्थडे मना रही हूँ 26 नवंबर को 7 PM 7 बजे एट कहाँ पर, निरुलास एट डिफेंस कॉलोनी, निरुलास डिफेंस कॉलोनी में जो अपना बर्थडे मना रही हूँ। प्लीज टेल हर टू रीच देयर, कृपया उसे बता देना कि वहाँ पर पहुँच जाए। आई ड्रॉप हर बैक होम, और मैं उसे जो है वापस उसको घर पर छोड़ दूंगी। आभा बोलती है ओके आई कॉल हर, ओके मैं उससे कॉल पर बोल दूंगी, मतलब बता दूंगी। इस देयर एनी अदर मैसेज, या कोई इसके अलावा कोई भी और दूसरा संदेश। तो रीना बोलती है प्लीज टेल हर टू कन्फर्म बाय टुमारो, उसे कल तक जो है आप बता देना। आभा बोलती है ओके योर मैसेज विल बी कन्वेट, तुम्हारा मैसेज जो है पहुँचा दिया जाएगा, कन्वेट यानी पहुँचा देना। आभा वाज गोइंग फॉर इवनिंग क्लास सो ही लेफ्ट द मैसेज फॉर द निधि, निधि को जो है अब ये मैसेज देना है आपको। किस तरह से देना है, मैसेज ये लिखा हुआ है, मैसेज है अब आपको फिल करना है, मैंने पहले से फिल कर दिया है। डेट है 25 नवंबर 6 बजे की, सॉल्यूटेशन है निधि जो बता रही है। क्या बता रही है, कंटेंट में योर फ्रेंड रीना, तुम्हारी फ्रेंड जो है रीना, उन्हें फ़ोन लगाया था। इन्विटेशन इन्हें आपको आमंत्रित किया है टू हर बर्थडे, उसके फोर हर बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए, है ना। कब, 26 नवंबर 7 बजे, है ना। कहाँ पर, एट नेरुलास डिफेंस कॉलोनी। सिग्नेटरी कौन है, अभा फ्रेंड, उसकी जो दोस्त है अभा। फिर आपका है लेट्स डू इट, आओ करते हैं, चलो करते हैं। क्या है, रीड मोर स्टोरीज, कुछ कहानी को और पढ़ना है, जैसे कोई ग्रेट मैन हुआ, मैथोलॉजिकल हुआ, हीरोज नायक होते हैं। टेल हिम इन योर क्लास, और अपनी क्लास में बताओ और अपने टीचर से पूछो इस सहायता से। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।